राम राम शबनम। मैं पिंकी किनाला और आप सब देख पा रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल मौजूद है दौलतपुर में और चुनाव का जो माहौल है वो गर्मा गर्मी से जोरों शोरों से हर रोज का बढ़ता जान लाग रहा है। फिलहाल अपने गले ताऊ मौजूद है, बातचीत कर लिया, किसका के माहौल है? राम राम ताऊ जी। राम राम भाई। माहौल तो न्यू है भाई, पावड़ा तो सुनील खड़ा है, दौलतपुर फरीदपुर खड़ा है करमकेश, खैरी तो खड़ा है एक भाई मनजीत नाम है के मनजीत, ये भाई खड़े हैं। सब ने भाई ईमानदारी तो वोट देवांगे और सब ने इससे सारू बांट बांट के देवांगे। न्यू को नहीं भाई एक तरफा माहौल हो, सबका मिला का कर्म का, जो भाई का कर्म में लिखेड़ी है वो बने भी गा। और हम तो भाई सारे भाइयों पर राजी हैं। जीता तो ताऊ एक के गा, अपने को एक तरफा होना है। ताऊ का हाथ में तो है कोने जिताना रोर, वो तो है कर्म ने जिताना है। सब ने बांट बांट के हिस्सा शामिल सब ने देवांगे भाई वोट। अपने के लग गए है, जीत कौन सके है, किसका जीत जोर किसका चल रहा है? देख भाई मैं ना तो पडेड़ा ना और इब जीत हार का तो देख मैंने बेरा को नहीं। मैं चौंतरा पर सेवादार आदमी हूँ, इन हुक्का प्याऊँ पानी प्याऊँ चा की पूछूँ, जो भाई की सेवा करनी हो वो सेवा करा। आप देख कड़ा हंड फिर के आवा को नहीं, उरे बता दे बैठे भाई फलाने का ज्यादा है फलाने का ज्यादा है। के बरा तो पूछा है ताऊ, न्यू कह दे फलाने का ज्यादा, वो किसका हवा किसकी चल रही है? कोई तो खरी का कवे है खरी वाले ने भाई ज्यादा मिलेंगे। राम राम भाई। और कोई इस भाई ने सुनील ने कहा सुनील की हवा है, कोई कवे भाई करम केस की हवा है, के बेरा भाई किसकी हवा है? तो तेरे लिए करना तो फड़फड़ किसकी हो रही है? मेरे लिए फड़फड़ तो एक वो रेडियो बाज है। किसका बाज है ये? यो बेरा कौन मेरे समझ में कौन आया? राम राम जी। राम राम जी। के कुछ माहौल लग गए तो दौलत ऐसे है जी, किस सरपंच के बारे में पूछ रहे हैं? ना जी जिला परिषद में। जिला परिषद में ऐसे दौलतपुर गांव से कोई कैंडिडेट नहीं है जी, परंतु सुनील कुंडू है जो काफ़ी जुझारू है और मिलनसार है। पिछले पाँच चार सालों से यहां सारे गुआंडों में जो भाईचारा भी है और घूमते रहते हैं, दुख सुख में आते हैं, और क्योंकि भाजपा से भी जुड़ाव इनका, भाजपा का राज है, तो दो साल का समय बचे है अभी तो इस टर्म का, तो उस बात का भी फायदा मिल रहा है, तो आप काफ़ी मजबूत पोजीशन है। बाकी दूसरे कैंडिडेट भी अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, बाकी तो 27 तारीख को पता चलेगा, परंतु सुनील काफ़ी मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। बाकी आप घूमोगे गांव में आपको पता चल जाएगा। अगर बात टक्कर के करें तो सुनील ती दौलतपुर में टक्कर कौन देश का है? टक्कर के बारे में नहीं कह सकते, इनकी पोजीशन मजबूत है जी। हाँ बाकी सारे एक से हैं। हाँ क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव होता है, कोई रिश्तेदारी की दाव कोई किसी के मित्रता के संबंध, परंतु आप टक्कर की बात कह रहे थे, टक्कर तो सभी कैंडिडेट होते हैं अपनी कोशिश करते हैं, परंतु सुनील कुंडू का गांव में प्रचार भी अच्छा और ये लोगों से मिल रहे हैं समूह बना के मित्रता के नाते रिश्तेदारियां निकाल निकाल के काफ़ी अच्छा प्रचार चल रहा है जी। तो आप लोगों ने आप दौलतपुर से हो जी? राम राम जी। राम राम जी। के कुछ माहौल लगा जी दौलतपुर में जिला परिषद को लेकर? बढ़िया जी। जब कौन जीते है? सुनील। टक्कर किसकी मानो? टक्कर तो इसका गिला फरीदपुर वाला गिला। फरीदपुर वाला गिला। टोटल वोट कितने हैं? ये तो बड़े राम बेरा जी, अपन तो बेरा नहीं कुछ वोट न्यू बता दो फिर। सुनील आधे खींचेगा कागद तो फालतू खींचेगा सारे सुनील आएगी। बरोबर की टक्कर, बरोबर की टक्कर चल रही है। तीसरा कोई इंटरफेयर कर सके थोड़ा बहुत? मीटर को नहीं गिना। चलो एक बात और पूछा है युवा साथ साथ जो मतलब इस जानकारी तो अधूरी है, अभी चेयरमैन की तरफ रुझान किसका उसका है जिला परिषद के छह कैंडिडेट में? ये तो नहीं पता जी, ये नहीं पता। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। के नाम है जी? मेरा नाम राजेंद्र है जी। कै साल के हो गए? मैं जी 40 साल हो गए। 40 साल के हो गए। दौलतपुर के हो गए? वोट तो आई इलेक्शन में डालो हो? हाँ आए साल डालते हैं। पहले मन मन बना दोगे किसकी डालनी है किसकी नहीं डालनी है? घर भी जिक्र होंगे। देखो जी बात ये है कि अच्छा आदमी होगा हम तो उसी को देंगे, जो मान ले मेनू दिखे भाई गांव में काम करवाने वाला है या फिर भाई हमारे काम आस्क है तो हम तो उसी को वोट देंगे ना जो अच्छा आदमी लगेगा उसी को। तो काल अच्छा कौन लगा नहीं बता दो जिला परिषद में किस्मत दम दिखा है? देखो गांव का माहौल है जी, अब क्या बताएं जी सारा ही अब कल तो गोल मथोल शोध हो रहा है, कोई अभी पता नहीं है भाई कौन इसमें जीतेगा कौन नहीं जीतेगा जी। ठीक है वह एक बात हो अगर बोले फलाना का खुड़का गणा हो रहा है वो बार बार कान्ना में का नाम सा लिखड़े जावा है वो कान्ना तो फड़फड़ किसकी बात जाए?
देखो जी अभी न्यू है कोई किसी कह नहीं सकते क्यों, अभी तो मेरे को तो सभी गोलमाल सौदा लग रहे हैं, अभी डिक्लेयर नहीं है। दो या दो तीन का तो गोलमाल हो जाएगा जी, सारे का गोलमाल तो हमने कौन सुनिया। देखो अभी लग कोई न्यू है नहीं, पता नहीं है जी अभी लग कोई कन्फर्म नहीं है, कोई किसी को देगा कोई किसी को देगा जी, वही बात है। तो जी कुल मिला के मैंने न्यू लाग है ये खुल के किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो तीन कैंडिडेट तो छह में तो ऊपर न्यू दिखे दिखेंगे भी ये भारी पड़ रहे हैं, उनके नाम बता दो कम तक में, एक का नहीं दर दे तो। न्यू है जी हमारे गांव फरीदपुर में दौलतपुर के निवासी है, फरीदपुर के निवासी है हमारे, तो मेरे मतलब से तो भाई फरीदपुर वासी को देंगे जी। गुआंडी भाई रह गया जी। भाई काम करने वाला अच्छा है, है? मिलनसार है, मैं तो यही कहूँगा। एक नाम है गया जी, तीन गया था दूसरा जी। तीसरा देखो जी इसकी टक्कर में एक, या फिर चमारखेड़े से है वो भी इसकी टक्कर में है, तो इन दोनों की मान ले टक्कर बराबरी सी है। करम केस और अजय चमारखेड़ा की टक्कर है जी। तीसरा नंबर किसका दो फिर? तीसरा नंबर जी ये तो इतनी जानकारी नहीं है हमें, क्यों तो टक्कर शुरू में ही बता दे और जी शुरू में ही बता दे और जमा खुद खुद का बात काटनी जी। शुरू में तो बता देते फिर न्यू है जी माहौल खराब हो जाए, माहौल भी खराब हो जाए फिर मान ले क्यों किसी का वो करे जी नाम लिया जी। अच्छा अच्छा क्यों पांच लड़ेंगे तो चार तो पड़े पड़ेंगे एक बनेगा जी। जी जरूर राम 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 राम। दौलतपुर से ही होता हुआ? दौलतपुर से भाई। कितने साल के हो गए लगभग? 67 साल का। तो 67 साल हो गए, इब वोट डाल दें इब किसने डालोगे के कुछ सोच के डालो? सुनील ने डालेंगे के माइंड में आई क्यों डालो हो मतलब के गुण है सुनील लड़का है बढ़िया दिखा काम करने वाला है हैं अब तक मतलब कौन से काम से इस प्रकार प्रभावित हुए कि आगे बहुत अच्छा करेगा भाई किसे काम दम मारे तो लिंक मस्त जंगले हैं और सुनील तो इस वजह से इसके काम वोट दें मतलब ठीक लागे कुल मिलाकर बाला कुल मिलाकर बढ़िया लागे इस करके इसको वोट दें इसे थी वोट क्यों इसमें के गुण है कैंडिडेट और भी बहुत बेटे ये चेयरमैन की रेस में है अगर ये जीत गए तो चेयरमैन बन जाएगा तो एरिया का काम करेगा है बढ़िया लड़का है काम करने वाला इसे उम्मीद तक वोट देवा। तो भाई तो उन लगभग नो लग है कि ये चेयरमैन बन सके तो दौलतपुर में तो जीत है तो उसने दौलतपुर में मेरे घर में 60% वोट आऊंगा इसको 60% गणे नहीं हो गए ताऊ की में ना गणे को नहीं दे ठीक है मारे रिजना की वोट है मारे हैं। अच्छा अच्छा हाँ इतने तो ले जाएगा इतने तो टक्कर में किसने मानो करम केस ने माना करम केस ने सुनील की और करम केस की टक्कर है तो 40% वोट पूरे तो जान देखो नहीं बटे भी ना तो हम नहीं तो बटेंगे भाई करम केस के 20 इसके तो करम के बोल लीजिए 20% बोल लीजिए 15% बोल लीजिए 5% में सारे आ लेंगे बाकी 5 में सारे आ लेंगे हां सारे आ लेंगे। चलो भाई आपने सुनया ताऊ जी नु कहे 5% में सारे आ लेंगे और जो 35% है करम केस ले जाएगा 60% जो है सुनील पाबड़ा ले जाएगा और जो 5% बच गए बोले उसमें सारे आ लेंगे। तो आपने देखा गांव दौलतपुर का सर्वे, आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।